एमबी सोमरो गुफ्तगू कर रहे थे। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ की तकरीरी पर हुकूमती हलकों में घबराहट और दस्तों गिरबा है। इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ के तकरीर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो। आसिफ जरदारी के बाद जेलों से बाकी लोगों को भी निकालकर मुशावरत कर ली जाए। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। उनके कहने पर उस्मान बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत गिर जाती। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। दौरे रूस से वापसी पर इख्तलाफात पैदा हुए। 100% यकीन है कि मुझ पर स्नाइपर ने फायरिंग की। नुमाइंदा खसूसी अखलाक बाजवा साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा अखलाक। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो सीनियर साफियों से मुलाकात की है और मुलाकात में उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ की तकरीर पर हुकूमती हलकों में जो है वो घबराहट और दस्तों गिरबान है। वो आपस में आर्मी चीफ की तकरीर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो की है। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी के बाद जेलों में बाकी लोगों को भी निकालकर मुशावरत जो है वो भी कर लीजिए और एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात जो है वो एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाए जाने पर थे। इमरान खान का ये कहना था कि उनके कहने पर उस्मान बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो गिर जानी थी और एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमती हुकूमत जो थी वो खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थी। दौरा रूस से वापसी पर इख्तलाफात पैदे हुए। इमरान खान का ये कहना था कि 100% यकीन है कि मुझ पर जो है वो स्नैपर ने फायरिंग की और मुसक्का यकीन है कि फायरिंग करने वाला एक से ज्यादा अशखास है और JIT का काम JIT ने जो है वो काम शुरू कर दी है। FIR के दर्ज ना होने पर परवेज अली जो है वो जिम्मेदार नहीं। इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के दिफा के खतरात बढ़ रहे हैं और सियासी इस्तेकाम तक मीशत ठीक नहीं हो सकती। मीशत की बहाली का इंसार अब सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों पर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अखलाक बाजवा नुमाइंदा खसूसी आगाह कर रहे थे कि इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकरीर पर हुकूमती हलकों में घबराहट और दस्तों गिरबा है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ के तकरीर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतज़ार करो है। आसिफ जरदारी के बाद जेलों से बाकी लोगों को भी निकाल कर मुशावरत कर ली जाए।